ये कैसी आवाज है? शर्मा अंकल इतना बड़ा गाड़ी चला रहे हैं? अंकल क्या कर रहे हैं? बेटा मेरे घर के बगल में इतना बड़ा पेड़ उग गया था, इसी को हटा के बगल में लगा रहा हूँ। हट गया पेड़। यह बहुत थक गया और भूख भी लग गई है, आता हूँ कुछ खाकर। अरे सुनती हो, कुछ खाने का दे दो। अंकल गए? कितना बढ़िया पेड़ उखाड़ने का मशीन है, एक दो सौ पेड़ मैं भी उखाड़ के देखता हूँ। ये पेड़ तो उखड़ गया, अब क्या उखाड़ूं? शर्मा अंकल के घर का आम का पेड़, इसे उखाड़ के अपने घर के पास लगा लेता हूँ। लग गया पेड़। शर्मा अंकल तो आम तोड़ने भी नहीं देते थे, अब आराम से बैठ के अपने घर में आम खाऊंगा। अब क्या उठाऊं? हाँ शर्मा अंकल घर उठा के देखता हूँ, उठता है कि नहीं। अरे अरे मेरा घर हिलने कैसे लगा, लगता है भूकंप आ गया, बचाओ। घर उड़ने कैसे लगा? चिंटू तू मेरा घर कहाँ उड़ा रहा है, चल नीचे रख। अंकल परेशान मत करो, मैं आपका घर दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। पागल हो गया है? अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। ये आवाज कैसी है चिंटू? भाभी जी बचाइए, बचाइए मुझे। भाई साहब आपका घर आकाश में कैसे उड़ने लगा? मम्मी मैं उड़ा रहा हूँ, ये देखो। अरे चिंटू रोक रोक, भाभी जी रोकिए रोकिए अपने चिंटू को। हाँ हाँ रुकवाती हूँ। चिंटू अंकल का घर नीचे रख दे बेटा। हाँ मैं रखता हूँ। भाई ने मेरा घर का दरवाजा तोड़ दिया। भाई साहब जब देखो रोते रहते हैं, चलिए उठिए मैं आपका दरवाजा नया बनवा दूंगी। सच में भाभी जी? तब तो ठीक है। अरे मेरा आम का पेड़ कहाँ गया? अंकल वो मैं उखाड़ के अपने घर के पास लगा लिया, वो देखिए। बहुत अच्छा किया बेटा, अब अगले साल आराम से आम खाएंगे। भाभी जी क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, चल चिंटू घर चलते हैं।